हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। जैसा कि आप जानते हैं, जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड है ह्यूमन का, वो कई ऐसे फैक्टर हैं जिनसे वो कई ग्रुप में बांटा जाता है, जबकि दिखने में सब सेम होता है। इट अपीयर्स टू बी सिमिलर, लेकिन आप जानते हैं ब्लड ग्रुप कई होते हैं, जबकि दिखने में सब सेम होता है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन, कई तरह से ग्रुपिंग करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंड ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ए निगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ आरएच फैक्टर। तो इस तरह से कई तरीके से बांटे जाते हैं। अगर सिर्फ एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे बांटे तो चार तरह के होंगे, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अगर हम आरएच फैक्टर के बेस पे बांटे तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए निगेटिव, दूसरा हो जाएगा बी पॉजिटिव बी निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि उस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर भी है। अभी हम अलग अलग सबकी बात करते हैं, कौन क्या होता है। टू सच ग्रुपिंग, तो दो ग्रुपिंग की बात करेंगे अभी हम, ए बी ओ एंड आरएच आर वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो है पूरे वर्ल्ड में ये दो ग्रुपिंग है जो ज़्यादा जिसकी बात की जाती है, तो है ब्लड ग्रुप ए बी ओ। ए बी ओ ग्रुपिंग, ये ब्लड ग्रुप नहीं है, ए बी ओ ग्रुपिंग। तो चलिए देखते हैं ए बी ओ ग्रुपिंग क्या है। ए बी ओ ग्रुपिंग इज अ बेस ऑन द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। तो एंटीजेंस क्या होते हैं, मैं भी एंटीजेंस वर्ड को बताऊंगा। एंटीजेंस वर्ड का क्या मतलब होता है, हमारे बॉडी में जब कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है, तो जैसे कोई माइक्रोब्स आ जाते हैं या कोई ख़ास तरह की प्रोटीन आ जाती है, तो उसको एंटीजन ही बोलते हैं। फिलहाल यहाँ ब्लड के लिए भी जो उसके सरफेस पर एक तरह की प्रोटीन होती है, पाई जाती है, उसको भी एंटीजन बोलते हैं। तो ब्लड ए ओ बी ग्रुपिंग जो है, ये बेस है कि जो उसका सरफेस है, आरबीसी का जो सरफेस है, उसका आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर खास तरह की प्रोटीन्स होती हैं, तो वो मतलब देखा जाता है कि ए प्रोटीन है, बी प्रोटीन है, या ए बी प्रोटीन, ए और बी दोनों प्रोटीन है या नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं एंटीजन, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी आर एंटीजन, कोई भी नहीं है तो वो बोलेंगे। केमिकल्स दैट कैन इंक्लूड इम्यून रिस्पॉन्स, और ये केमिकल्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होते हैं। ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी, और ये एंटीजन कहाँ होते हैं, आरबीसी पर, एंटीजन ऑन द आरबीसी, उनका नाम है ए और बी, तो यही दो एंटीजन होते हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी, द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। जो प्लाज्मा है, अब देखिए एंटीजन कोई बाहर से आता है, फिलहाल यहाँ ब्लड पे भी है, ब्लड के आरबीसी पर भी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एंटीजन वर्ड की, थोड़ी देर और करेंगे। अगर कोई चीज़ बाहर से आता है तो उसको बोलते हैं एंटीजन, तो अगर उसको ख़त्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी जिस तरह की प्रोटीन्स बनाती है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी, जो प्लाज्मा होती है उसमें एंटीबॉडी होती है। दो अलग अलग कौन सी हैं, पहले ब्रेकेट वाला देखते हैं। प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, और ये प्रोटीन जो है बनती हैं रिस्पॉन्स, उनको
रेस्पॉन्स देने के लिए या कह लीजिए उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए एंटीजन को, जैसा एंटीजन होता है उसी प्रकार की एंटीबॉडी बनती है, वो बॉडी बनाता है, हमेशा एंटीबॉडी बनती रहती है। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई भी एंटीजन आता है, तो उसके रेस्पॉन्स में बनती रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप ऑफ ब्लड, फिलहाल मैंने बोल दिया बनती रहती हैं एंटीबॉडी, तो इसका ये मतलब नहीं, अगर ब्लड है तो पहले से बनी रहती हैं, वो कन्फर्म रहता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी मतलब एंटीजन ए है उस ब्लड में, तो एंटीबॉडी उसकी बी होती है, इस प्रकार से कन्फर्म होता है। नीचे सारणी दी गई भी हम देखेंगे, कन्फर्म हो जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ आर गिवन इन द टेबल। तो चलिए पहले टेबल देख लेते हैं। यहाँ देखिए टेबल, ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो एंटीजन है, एंटीजन मतलब उसके जो सरफेस पर प्रोटीन है वो ए है, और उसके प्लाज्मा में एंटी बी है। कहने का मतलब एंटीजन ए है लेकिन इसके प्लाज्मा में जो विरोध करने वाला है वो बी का विरोधी है, ए का विरोधी नहीं है, ए का विरोधी है ही नहीं। तो कहने का मतलब अगर इसको बी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, ब्लड ग्रुप ए वाले को, जिसके आरबीसी के सरफेस पर ए प्रोटीन है और इसके प्लाज्मा में विरोधी है बी का, तो अगर इसको मान लो कि बी का ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, इसका ब्लड ग्रुप ए है, बी वाला चढ़ा दो, तो इसका जो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, तो इसकी जो एंटीबॉडी बी है ए वाले में, वो जाके बी वाले ब्लड ग्रुप से चिपक जाएगी। मतलब जो रिसीव कर रहा ब्लड, उसका ब्लड ग्रुप ए है और जो उसको दिया जा रहा है वो ब्लड ग्रुप बी है, तो होगा क्या, इसका जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी, वो जाके एंटीजन बी से, मतलब सेम वर्ड आपस में मिलेंगे, एंटीजन बी से चिपक जाएगा और वो बड़ा सा थक्का बनता चला जाएगा, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से अगर रिसिपियंट जो लेने वाला है वो ब्लड ग्रुप उसका बी है और उसको ए जिसका ब्लड है उसको ए वाला ब्लड चढ़ा दीजिए, तो उसके बॉडी में एंटी ए है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो ए है, तो वो जो ब्लड ग्रुप उसको दिया गया है उसमें एंटीजन ए है, तो ये एंटीबॉडी ए एंटीजन बी से चिपक के बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेगी और उसके जो जिसको ब्लड दिया गया उसके थक्का बन जाएगा, तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो चलिए पहले एंटीजन एंटीबॉडी देख लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में बी है, मतलब विरोध करेगा बी का, और इधर दिए हैं किसको दिया जा सकता है ब्लड, किसको नहीं दिया जा सकता, तो इसकी बात अभी थोड़ा पीछे करते हैं। फिर है ब्लड ग्रुप बी है, इसके आरबीसी के जो सरफेस पर प्रोटीन है वो बी है, मतलब एंटीजन बी है, और इसके ब्लड में जो विरोध करने वाला है वो एंटीजन ए का विरोध करेगा, बी का नहीं। और यहाँ ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके आरबीसी पर जो प्रोटीन है जिसको हम लोग एंटीजन बोलेंगे, ए और बी दोनों एंटीजन हैं एक ही आरबीसी पर, और इसमें जो विरोध करने वाला है कोई विरोध नहीं है, किसी का भी विरोध नहीं करता, कोई भी आ जाए कोई भी ब्लड ले लेगा ये। और ब्लड ग्रुप ओ को देखेंगे तो इसका जो आरबीसी है इस पर कोई एंटीजन नहीं है और विरोध करने वाले दो लोग हैं, मतलब एंटीजन ए का भी विरोध करेंगे और एंटीजन बी का भी विरोध करेंगे, क्योंकि दो दो एंटीबॉडी हैं इसकी बॉडी में। तो अब समझ गए होंगे आप कि क्यों ब्लड ग्रुप ए बी सबको ले लेता है, चाहे जिसका ब्लड ग्रुप हो, और इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। और ब्लड ग्रुप क्यों, क्योंकि यहाँ विरोध करने वाला कोई है ही नहीं इसके ब्लड में, और यहाँ अगर ओ को देखें तो इसके जो है अपने खुद के आरबीसी पर एक भी प्रोटीन नहीं है, विरोध करने वाले दो दो लोग हैं, तो इसको सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ दिया जा सकता है और कोई दिया ही नहीं जा सकता। अब यहाँ देख लीजिए कौन कौन दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए वो दे सकता है ए को और ओ, इसको मिल सकता है ब्लड ग्रुप ए से और ब्लड ग्रुप ओ से, और जो ब्लड ग्रुप बी है इसको मिल सकता है ब्लड ग्रुप बी से और ब्लड ग्रुप ए से, जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसको मिल सकता है ए से बी से ए बी से एंड ओ से, और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसको मिल सकता है सिर्फ ओ से। तो ओ देखिए सब में है, सबको दे सकता है, तो ये यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो होता है वो सबसे ले सकता है, इसलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। तो चलिए ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा सा बच्चा है। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, आप जानते हैं कि जब किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, दिया जाता है,
तो कोई भी ब्लड नहीं दिया जाता है। द ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड, जो डोनर है जिसका ब्लड दिया जा रहा है उसको पहले मैच किया जाता है विद द ब्लड ऑफ रिसिपियंट, उसके ब्लड से जिसको देना है रिसिपियंट और रिसीवर, बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सर्व प्रॉब्लम ऑफ क्लैम्पिंग। बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड देने से पहले टू अवॉइड सर्व प्रॉब्लम आर क्लैम्पिंग्स, अवॉइड इससे बचते हैं कि कहीं ब्लड की क्लैम्पिंग ना हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। द डोनर्स कैपेबिलिटी इज आल्सो शो इन द टेबल, तो यहाँ जो है मतलब टेबल में दिखाए हैं कौन किसको ब्लड दिया जा सकता है, तो उसकी बात हम लोगों ने कर लिया है। आगे है फ्रॉम द एबव मेंशन टेबल इज एविडेंस दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कह रहे हैं कि इस टेबल में हमने देखा कि ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। कह रहे हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो ए बी से ब्लड ले सकता है और उसके साथ साथ और किसी का भी ब्लड ले सकता है, मतलब ए बी एंड ओ। देयरफॉर सच अ पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपियंट, तो ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपियंट बोलते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे आर एच फैक्टर की, मुझे लगता है ब्लड के बारे में आप जान गए हैं। आर एच फैक्टर को देखेंगे, ये सबसे पहले तो आर एच फैक्टर है क्या, अगर एक लाइन में बोलना हो तो इट इज़ अनदर टाइप ऑफ एंटीजन। ये भी एक एंटीजन ही है, जैसे अभी आप देख रहे थे एंटीजन ए एंटीजन बी एंटीजन ए बी दोनों देख रहे थे, तो ये भी एक प्रकार का एंटीजन ही है, ये भी आरबीसी पर ही पाया जाता है। तो आपसे कोई पूछता व्हाट इज द आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर इज अनदर टाइप ऑफ एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो जिसके पास आरएच फैक्टर है वो ब्लड कहलाएगा कि जैसे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं है वो ए निगेटिव बी निगेटिव। मोस्टली 80% लोगों के पास आर एच फैक्टर होता है, 20% आते हैं जिनको आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अनदर एंटीजन, देखिए लिखा गया अनदर एंटीजन, तो आर एच फैक्टर जो है वो अनदर टाइप ऑफ एंटीजन है विच प्रेजेंट ऑन द आर बी सी सर्फेस ऑफ आर बी सी। द आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन पर्सन इन रीसस मंकी, तो इसको सबसे पहले जो देखा गया था वो रिसस नाम के एक बंदर में देखा गया था, उसके बाद जो है डिस्कवरी की गई तो ह्यूमन में भी पाया गया, क्योंकि बंदर काफ़ी आदमी के करीब हैं, ह्यूमन के काफ़ी करीब हैं और वो हमारे पूर्वज भी हैं, तो इसलिए हम में और उनमें काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है, इसी के बेस पे फिर ह्यूमन में देखा गया और मिला भी। इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आर बी सी ऑफ मेजॉरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन। उसके बाद जो है मंकी में देखने के बाद फिर ये देखा गया कि ह्यूमंस में भी था, 80% लोगों में आर एच फैक्टर होता है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव, और जिनके पास होता है उनको आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, जिनके ब्लड ग्रुप पे आर एच एंटीजन होता है, और जिनके पास नहीं होता है एंड दोज इन हुज दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड आर एच निगेटिव, तो उसको आर एच निगेटिव बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट में है शॉर्ट फॉर्म है आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव का। एंड आर एच निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। अब देखिए अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास आर एच फैक्टर नहीं है तो उसका जो ब्लड है उस एंटीजन को नहीं जानता है, उसके लिए वो बाहरी है। तो अगर ऐसा पर्सन है और उसको ऐसा ब्लड दे दिया जाए जिसका आर एच पॉजिटिव ब्लड हो, ब्लड ग्रुप ए है, अगर आर एच निगेटिव वाला पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको दिया गया ब्लड ग्रुप ए ही, लेकिन वो आर एच पॉजिटिव था और जो ले रहा उसका आर एच निगेटिव था, तो उसको तो एक बार आप ब्लड दे देंगे, ब्लड ले लेगा, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो उसका जो डिफेंस सिस्टम है इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगी कि ये जो पॉजिटिव है आर एच फैक्टर है आर एच जो प्रोटीन है आर बी सी के ऊपर इसके अगेंस्ट वो खड़ी हो जाएगी
और क्या करेगी, उसको जो है उसके लिए एंटीबॉडी बनाने लगेगी, तो उसको ढूंढ ढूंढ के मारने लगेंगे उसके बॉडी वाले, और उसके लिए वो एक प्रकार से इम्यून डेवलप कर लेगी। जैसे अभी चल रहा है कि कोरोना, जिसको एक बार हो जा रहा दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी इम्यून डेवलप कर लेती है, वो उसको पहचान लेती है, अगली बार उसके उससे कम समय मार गिराएगी। तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर चलिए पढ़ते हैं, आर एच निगेटिव पर्सन है इफ़ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड, अगर उसको आर एच पॉजिटिव ब्लड दिया जाए, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी, तो उसकी बॉडी जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेगी किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बना लेगी। देयरफॉर आर एच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन, इसलिए जो है आर एच फैक्टर भी देखना पड़ता है ट्रांसफ्यूजन से पहले। मतलब इसमें कह रहा है कि देखना चाहिए, आ स्पेसीज आ स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकैपेबिलिटी मिस मैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन द आर एच निगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेगनेंट मदर विथ आर एच पॉजिटिव ऑफ द फीटस। ये एक स्पेशल केस है जिसमें अगर किसी की माँ है और वो आर एच निगेटिव है और उसके जो पापा हैं वो आर एच पॉजिटिव हैं, तो उनका जो बच्चा होगा, प्रेगनेंसी जो होगी, अंदर में जो यूट्रस में बच्चा पल रहा होगा, वो तो आर एच पॉजिटिव ब्लड रखे हुए है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक जीन इससे जाएगी, एक मदर से आएगी, तो आर एच पॉजिटिव वाला प्रभावी होता है, आर एच निगेटिव वाला रिसीव होता है, तो जो बच्चा पल रहा होगा वो आर एच पॉजिटिव का होगा। आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज, अब जो बच्चा पल रहा है उसके बॉडी में जो ब्लड है, मैं थोड़ी और कंफर्म कर दूं, कोई मदर है उसके बॉडी में जो भी बच्चे पलते हैं, ज़रूरी नहीं जो माँ का जैसा ब्लड है उसका बच्चे का भी वैसा ब्लड हो, क्योंकि जो प्लेसेंटा है दोनों के ब्लड को सेपरेट रखती है, उसमें इस तरह से सिस्टम बना होता है कि दोनों के ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। लेकिन खाने पीने की चीज़ें, ग्लूकोज, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, इवन एंटीबॉडी भी आ जा सकती है, क्योंकि ये चीज़ें छोटी होती हैं। आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर, तो आर एच जो पॉजिटिव है एंटीजन है वो मदर के ब्लड से मिक्स नहीं होता इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, लेकिन कब, पहली प्रेगनेंसी में, एज द टू ब्लड आर विल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, और दोनों ब्लड को अलग रखता है वो प्लेसेंटा का काम है। प्लेसेंटा मतलब जो नाभि से जुड़ा होता है और वो मदर की यूट्रस से जुड़ा रहता है, वो तो डिस्क जैसा होता है, वो सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करता रहता है फीटस को। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब पहली बार डिलीवरी होने लगती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू एक्सपोज ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है जब डिलीवरी होने लगती है, जब प्लेसेंटा टूटने लगती है, जब डिलीवरी होते समय, तो इसका कुछ ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स हो जाता है। इन सच केस अभी क्या होगा, अब मदर का जो ब्लड है वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, आर एच फैक्टर के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, और उसके जो है एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा, एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा। अब अगली बार क्या होगा, द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी, मदर के ब्लड ने एंटीबॉडी बना ली अगेंस्ट आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन के अगेंस्ट इन हर ब्लड, उसके खून में, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। अब जब अगली बार प्रेगनेंसी होगी, द आर एच एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, जो कि पहले निगेटिव थी, कैन लीक इन टू द ब्लड ऑफ द फीटस, तो इसका जो एंटीबॉडी होगा वो लीक होके प्लेसेंटा से चला जाएगा फीटस में, जो कि आर एच पॉजिटिव है, क्योंकि पापा तो वही है फिर से, एंड डिस्ट्रॉय द फीटस। अब क्या करेगा, उसके बॉडी में जो ब्लड है, क्योंकि ये उसकी बॉडी में जो ब्लड है वो आर एच पॉजिटिव है, और अभी जो माँ के ब्लड से गया है ये एंटीबॉडी, तो आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट रहता है हमेशा, जहाँ पाएगा उसको तुरंत चिपक जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ख़त्म कर देगा, तो क्या करेगा, उसके आर बी सी को ख़त्म करने लगेगा, तो या तो प्रेगनेंसी आगे नहीं सर्वाइव कर पाएगी, यहीं ख़त्म हो जाएगा फीटस, ये फैटल होता है उसके लिए, या फिर अगर वो हो भी जाता है तो उसको एनीमिया रहेगा, ब्लड की कमी रहेगी पैदा होते ही, या फिर जॉन्डिस हो जाएगा, मतलब पीलिया हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, दिस कुड बी फैटल, तो ये उसके लिए घातक होता है, टू द फीटस आर कुड केस
सीवर एनीमिया या फिर उसको बहुत सीवर एनीमिया हो सकती है एंड जॉइंडिस टू द बेबी या फिर उसको पीलिया हो सकता है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स. तो उसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स इस केस को, मतलब अगर पापा आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच निगेटिव है और ये दूसरी बार प्रेगनेंसी है. दिस कैन बी अवॉइड बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग NTRH एंटीबॉडी. तो इससे बचा जाता है अगर डॉक्टर की देख रेख में, तो जब पहली बार बच्चा होता है तो उनको ऐसी मेडिसिन दे दी जाती है जो NTRH एंटीबॉडी होती है, कि वो RH की एंटीबॉडी जो बनेगी उसको ख़त्म कर देंगे या बनने ही नहीं देंगे. टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड. और ये कब मेडिसिन देते हैं? ये देते हैं जब पहली बार बच्चा होगा तभी, क्योंकि उसका जब ब्लड मिक्स होगा तो ताकि जो है वो RH एंटीबॉडी बन ना पाए और इससे उसको इम्यून डेवलप नहीं हो पाएगा RH के अगेंस्ट. तो मुझे उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे और नोट्स बनाइए इसका. कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता इसमें से, तो बताइए. थैंक यू.